में हमारे क्योंकि ड्यूज नहीं मिले तो हम लोगों की हालत बहुत ही ख़राब है। हम अगर जो है हम उन सफ़ेद पोश लोगों में आते हैं कि जो ना आपके सामने हाथ फैला सकते हैं, ना सड़क पे भीख मांग सकते हैं, ना जाके राशन के थैले छीन सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि हम लोगों की क्या हालत है हम खुद ही जानते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, और अगर इनके पास फंड नहीं है तो अभी इन्होंने कितने बड़े बड़े पैकेजेस का ऐलान किया है लोगों के लिए। जो एहसास प्रोग्राम है उसमें रजिस्टर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि आप रिटायर्ड लोगों में नहीं आते हो, ठीक है, और आप जो है वो जो EOBI या ये पेंशन इनमें से कुछ वसूल ना करते हो, जबकि जो हमारे जो पाकिस्तान स्टील के एम्प्लॉज़ हैं वो EOBI की पेंशन तो अवेल कर रहे हैं, जो कि 6,500 रुपये महीना थी पिछले, और अभी उसमें जो है मज़ीद 2,000 का इजाफा किया, तो अब आप सोच सकते हैं कि जो है वो 6,500 या 7,500 जो है वो पर मंथ जिनको पेंशन मिलती हो उनको जो है वो आप शामिल नहीं करते, और आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो जिन लोगों ने 40-42 साल जो है बहुत बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी हो, बहुत मेहनत के साथ ज़िंदगी गुजारी हो, वो इस रिटायरमेंट लाइफ में जो है वो अगर उनको उनके वाजिबात ना मिलें तो उनके दिलों पर और उनके नफसियाती कंडीशंस क्या होगी। खामोश कॉलोनी की के मेन रोड पे जो है वो एक साहब जो है ना वो छोले का ठेला लगाते, हमारे रिटायर्ड एम्प्लॉज, और उन्होंने जो है वो उस ठेले के आगे जो है ना ये बैनर लगाया हुआ है कि मैं पाकिस्तान स्टील का रिटायर्ड एम्प्लॉज हूँ और जो है वो मुझे मेरे ड्यूज़ नहीं दिए जा रहे। इसी तरीके से इसी जो कोरोना उसके दौरान ख़ुद हम जो है वो कई दर्जन लोगों को जो है ना वो आपस में जो है ना वो करके मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है ना उनकी मदद कर चुके हैं, कि वो तो उनकी तो देखें ना, आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो रोडों पे लाइनों में लग सकते हैं, क्या वो लोगों से खुद जाके कह सकते हैं। एक इंसान ने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी होती है उसके मुताबिक उसका एटीट्यूड बनता है, या तो जो है वो बिल्कुल ही भूख के उस पर आ जाए तो वो एक अलग बात, फिर भी वो अपने सबसे पहले अपने क्लोज सर्कल में बात करेगा, रोड के ऊपर फिर भी नहीं खड़ा हो। तो ये इस लेवल पर लोग आ गए हैं कि वो अमली तौर पे जो है ना वो उन तमाम बेरोज़गारों और उनके उसमें शामिल हो गए, लेकिन उनकी अना, उनकी इज़्ज़त, उनका वक़ार जो रहा है उसकी बुनियाद के ऊपर जो है ना वो इस उस पर नहीं आए कि वो जाएं और लाइनों में खड़े हों और राशन जो है ना लेने के लिए जो है ना वो कर रहे हों। तो यकीनन जो है ना इसका एहसास करना चाहिए हुकूमत को कि जब आप बाकी लोगों को करते हैं कि जिनकी डिग्निटी है उसको तो मेनटेन रखें, रियासत का और पार्टियों का काम क्या होता है कि वो एक आम शहरी की भी डिग्निटी को जो है ना वो मुमकिन बनाए, ना कि जो है ना वो ये समझ के कि हमने जो है वो दस्तरखान लगा दिए या आटा बांट दिया तो इससे इसका मतलब डिग्निटी नहीं है।